नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। आई थिंक लास्ट टाइम हमने 19th ऑफ मई तक छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में 20 मई से लेकर 31st ऑफ मई तक जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सब का हम यहाँ आज एनालिसिस करने वाले हैं, शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले YouTube के अलावा अगर आप हमसे डेली अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इन तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट या आर्टिकल्स उपलब्ध करवाते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है। तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर बैठे छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास है मोबाइल कोर्स और ऑडियो कोर्स। दोनों कोर्स के माध्यम से आप घर बैठकर छत्तीसगढ़ के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। उसका ज़्यादा डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारी वेबसाइट competitioncommunity.com पर भी विजिट करके वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका आने वाला जितने भी वन डे एग्जाम हो गया, चाहे मेंस का एग्जामिनेशन हो गया, सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका पेपर नंबर 7 में छत्तीसगढ़ के कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जो टॉपिक है वहां के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इस स्कीम की बेसिक बातें देख लेते हैं। हालांकि इस स्कीम के बारे में हमने पहले भी एनालिसिस कर रखा है, लेकिन अब यह स्कीम लॉन्च हो चुका है तो इसका डिटेल थोड़ा और हम देखते हैं। अनाउंसमेंट कब किया गया है? इसी साल बजट 2020-21 में किया गया। शुरुआत कब हुआ? 21 मई 2020 से हुआ। स्टार्टिंग डेट बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसी दिन क्यों? क्योंकि इस दिन राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है, इसलिए इस दिन इसकी शुरुआत हुई। बजट कितने का रखा गया है इस फाइनेंशियल में? 5700 करोड़ रुपीज़ का रखा गया है 2020-21 के लिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है किसानों के फसलों को प्रोत्साहित करना और उन्हें समर्थन मूल्य पर यानी कि सही कीमतों पर उनके फसल को खरीदना है, और इससे लगभग 19 लाख किसान जो हैं लाभान्वित होंगे। अब ये 5700 करोड़ रुपये यानी कि 5700 जो करोड़ रुपीज़ है, ये चार फेस में किसानों को दिए जाएंगे। फर्स्ट फेस में आपका 1500 करोड़ रुपये जो है किसानों को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस स्कीम के अंदर तीन फसल आएंगे। सबसे पहला आपका धान, दूसरा आ जाएगा आपका इसमें मक्का, और तीसरा आ जाएगा इसमें आपका गन्ना। अभी सिर्फ धान है, मक्का और गन्ना आगे चलकर इसमें शामिल होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत अधिक तक संभावना है, मेंस में भी या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड या फार्मर से रिलेटेड मेंस में कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस स्कीम का वहाँ पर वैल्यू एडिशन ज़रूर कीजिएगा। अब ये समझिए कि इस स्कीम को शुरू करने की ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ी। तो जब नई सरकार 2018 में बनी थी तो वहाँ पर किसानों से एक वादा किया गया था कि हम आपके धान को 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से ही खरीदेंगे, और 2018 और 19 के खरीफ वर्ष में 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की भी गई। लेकिन 2019 और 20 के खरीफ वर्ष के लिए जो धान का उत्पादन हुआ, 85 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया, उसमें केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया कि अगर आप 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करोगे तो हम यानी कि सेंट्रल पूल में आपके धान को नहीं खरीदेंगे। तो अगर सेंट्रल पूल में धान की खरीदी हुई ना, क्योंकि ये 85 लाख मीट्रिक टन में से छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल तो लगभग 32 लाख मीट्रिक टन हो जाता है, बाकी जो धान बच गया उसका तो सेंट्रल पूल में खरीदना पड़ेगा। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर प्रेशर में आ गई और उसने 1815 रुपये में ही धान को खरीदा, केंद्र का जो समर्थन मूल्य है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस पर ही। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कहा गया कि जो 1815 रुपये और 2500 रुपये जो वादा किया गया था वो 2500 को पूरा किया जाएगा, और उस 2500 को पूरा करने के लिए एक स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और इस स्कीम के तहत जितने भी धान उत्पादन करने वाले किसान हैं उनको प्रति एकड़ 10000 रुपये का अतिरिक्त समर्थन मूल्य दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो इस स्कीम के बारे में आप यहां पर ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना मस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पेपर नंबर 5 के लिए ये मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, 40 साल से यह लंबित परियोजना है और 40 सालों के लंबे इंतजार के बाद कुछ काम हुआ था और बहुत सारे काम लंबित थे।
हाल ही में केंद्रीय जल आयोग की तरफ से इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब वापस से इस परियोजना पर काम हो सकता है। तो जानते हैं हम लोग क्या है ये बहुउद्देशीय बोधघाट परियोजना, कौन से नदी पर है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि प्रस्तावित है, अब इस पर काम शुरू होगा। कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये आपका जिला है दंतेवाड़ा, विकास खंड है गीदम और गांव का नाम है बारसूर, और बारसूर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर यह परियोजना स्थित है। और जगदलपुर जिला मुख्यालय से अगर हम बात करें तो जगदलपुर जिला मुख्यालय से ये लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान से रखिएगा। और इसकी टोटल जो लागत है, टोटल जो कॉस्ट यानी कि इसको बनाने में जो खर्च होने वाले हैं वो 22,653 करोड़ रुपए होने वाले हैं। और इसके बारे में और थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप जानकारी लोगे तो इस बहुउद्देशीय परियोजना का अगर निर्माण हो जाता है तो इससे लगभग 3,66,580 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। और इतना सिंचाई जो है 3 जिलों में होगा, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, ये आपका आ जाएगा बस्तर संभाग में। इसके अलावा यहाँ से विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा जो कि लगभग 300 मेगावाट का होगा। यहाँ पर एक पॉइंट और समझिएगा, अभी प्रेजेंट टाइम पर छत्तीसगढ़ में जो टोटल सिंचित क्षेत्र है यानी कि छत्तीसगढ़ के टोटल भूभाग पर जो सिंचाई का प्रतिशत है वो लगभग 37% के आसपास आ जाता है। और अगर छत्तीसगढ़ में लाख हेक्टेयर में हम देखें कि कितना लाख हेक्टेयर टोटल सिंचित भूमि है तो वो आ जाता है आपका, इस साल का सर्वेक्षण अगर आप देखोगे आर्थिक सर्वेक्षण, तो 2.99 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। ये डेटा जो है आपका मार्च 2019 तक का है, ठीक है। और अगर यह बहुउद्देशीय परियोजना कम्प्लीट हो जाता है तो यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि 24 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, और यह जो परसेंटेज है लगभग 42% के आसपास पहुंच जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुउद्देशीय बोधघाट परियोजना। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल आप पेपर नंबर 5 में भी कर सकते हो, इसी में भी कर सकते हो, अगर जल संचय से संबंधित या फिर जल संवर्धन से संबंधित इस तरह से अगर क्वेश्चंस कहीं पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ में तो आप बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना का जिक्र ज़रूर कीजिएगा। और प्रीलिम्स के लिए आप लोग इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा, कौन से नदी पर बनाया जा रहा है, कौन से क्षेत्र में बनाया जा रहा है, इन सब सारी बातों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जल जीवन मिशन। केंद्र सरकार की योजना है, पिछले साल बजट में शुरू किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग जल जीवन मिशन का थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जल जीवन मिशन जो है जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा क्रियान्वित एक महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की। मंत्रालय याद रखिएगा, कौन से मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है, और विभाग का नाम यानी कि डिपार्टमेंट का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है। अनाउंसमेंट कब किया गया था, 2019 और 20 के बजट में यानी कि यूनियन बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। टारगेट क्या है इसका, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हर घर तक सभी लोगों को शुद्ध और सुरक्षित जल जो है नल की मदद से पहुँचाया जाए हर घर में, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। और टारगेट है 2024, यानी कि 2024 तक भारत के प्रत्येक घर में नल की मदद से स्वच्छ जल को पहुंचाया जाए, यही इसका उद्देश्य है। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि हाल ही में इस वर्ष यानी कि वर्ष 2020 और 21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को यहाँ पर 3500 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। यानी कि इस योजना के तहत में जो छत्तीसगढ़ में नल लगाए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, उसके लिए मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 2020 और 21 में कितना खर्च किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, ये रकम होगा 3500 करोड़ रुपये, और फर्स्ट फेज में 445 करोड़ रुपये जो है वो प्रदान कर भी दिया गया है, और चरण वाइज जो है इसका काम चलेगा। और अभी जो फर्स्ट फेस है ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, घर में नल पहुंचाया जाएगा, और इसका लक्ष्य वर्ष 2020 और 21 तक के लिए रखा गया, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, 16,70,752 ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि घरों में नल का कनेक्शन दिया जाएगा। और 2023 और 24 तक का टारगेट रखा गया है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा 45,48,080 घरों तक जो है वो नल का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के डेटा है, बाकी आप जल जीवन मिशन के बारे में याद रखिएगा, यह एक
केंद्र सरकार की योजना है, जल शक्ति मंत्रालय की योजना है, जो कि राज्य सरकारों के साथ में मिलकर इस योजना को चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यहाँ पर जितने भी डेटा है आप इसका ध्यान रखिएगा। आप इसका मुख्य परीक्षा में भी इस्तेमाल कर सकते हो, निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जहाँ भी जरूरत महसूस हो पेयजल से संबंधित वहाँ आप इसका इस्तेमाल जरूर करना, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, एक ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये है लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा घोषणा किया गया है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री की तरफ से। अब लाख की खेती को जब कृषि का दर्जा दे दिया जाएगा तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट माना जाएगा, क्योंकि जिस क्षेत्र को भी कृषि का दर्जा दिया जाता है, जिसका उत्पादन को भी कृषि का दर्जा दिया जाता है, जैसे सपोज मान लीजिए धान की खेती, यह इसे एक कृषि का दर्जा प्राप्त है, और जब इसे कृषि का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो बैंकों से लोन लेने में आसानी होता है। तो इसी तरह से जब लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया गया है तो अब सहकारी बैंकों से लाख की खेती करने वाले लोग भी लोन ले सकेंगे और लाख की खेती को बढ़ावा दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पूरे देश का लगभग 42% लाख का उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ में ही होता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो लाख का उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ में ही होता है। और लाख का उत्पादन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक समझें तो मुख्य रूप से तीन वृक्षों के ऊपर में होता है, कुसुम, पलाश और बेर। और ये तीनों ही वृक्षों की छत्तीसगढ़ में वनांचल क्षेत्रों में चले जाओ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इसीलिए 42% जो लाख की खेती है पूरे देश भर में वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, सीजी आवास। इस टॉपिक के बारे में समझने से पहले ये समझिए कि लॉकडाउन की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। अब इस अर्थव्यवस्था में अगर सबसे ज़्यादा किसी सेक्टर पर प्रभाव पड़ा है तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, और भी बड़े सेक्टर हो सकते हैं। रियल एस्टेट को भी बहुत अधिक तक प्रभावित किया है इस लॉकडाउन ने। अब रियल एस्टेट को वापस से ऊपर उठाने के लिए सरकार ने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज डेवलप हो रहे थे उसको सरकार ने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है, और सिंप्लीफाई करके यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया है। यानी कि पहले जब किसी रेसिडेंशियल कॉलोनी को डेवलप करना होता था तो उससे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मंत्रालय से अप्रूवल लेना पड़ता था, और वो लगभग 2-2.5 साल तक अप्रूवल चलता रहता था, प्रोसीजर पूरा आगे चलता रहता था। लेकिन अब सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एक ही खिड़की पर, यानी कि एक ही जगह पर ये सारा अप्रूवल मिल जाएगा, और यह अप्रूवल 100 दिनों के अंदर प्रदान कर दिया जाएगा। और इसके लिए नोडल एजेंसी यानी कि नोडल डिपार्टमेंट जो बनाया गया है, जिसके देख रेख में सारा क्रियान्वयन होगा, ये आवास एवं पर्यावरण डिपार्टमेंट होगा। दोनों डिपार्टमेंट मिलकर जल्दी जल्दी क्लियरेंस देने का यहां पर काम करेंगे रेसिडेंशियल कॉलोनीज को, ताकि यहां पर जो रियल एस्टेट पर प्रभाव पड़ा है उसको वापस से ऊपर उठाया जा सके और अर्थव्यवस्था की गति को यहां पर कहीं ना कहीं प्रदान किया जा सके। तो याद रखिएगा, सीजी आवास के तहत यहां पर रेसिडेंशियल कॉलोनीज को सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान कर रहा है छत्तीसगढ़ सरकार, जो कि 100 दिनों के अंदर में अप्रूवल दे दिया जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, गार्बेज फ्री अंबिकापुर। देखिए, हाल ही में शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत में गार्बेज फ्री सिटी का रेटिंग यहाँ पर जारी किया गया है। रेटिंग किस प्रकार से है, 5 स्टार है, 3 स्टार है और 1 स्टार है। 5 स्टार का मतलब सबसे साफ़ सुथरा शहर, यानी कि वहाँ कचरा लगभग ना के बराबर फैलता है। 3 स्टार उससे थोड़ा सा साफ़ सुथरा शहर, यानी कि वहाँ पर कचरा थोड़ा बहुत फैलता है। और 1 स्टार सिटी का मतलब है कि वहाँ पर थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान के तहत गार्बेज फ्री शहर का जो रैंकिंग रिलीज़ किया गया है, इसमें टोटल 141 शहरों का यहाँ पर रेटिंग जारी किया गया है। इस 141 शहर में से आपका जो 65 शहर है उनको 3 स्टार मिला है, और यहाँ पर जो 70 शहर हैं उनको 1 स्टार मिला है, और 5 स्टार यानी कि सबसे बेहतरीन गार्बेज यानी कि फ्री गार्बेज सिटी, जहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नहीं है, ऐसे शहरों की संख्या जो है वो 6 है। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 5 स्टार सिटी में एक सिटी आपका छत्तीसगढ़ का शामिल हुआ है, और वह है अंबिकापुर। अंबिकापुर किसके साथ,
अंबिकापुर के साथ में और कौन कौन सा शहर है? गुजरात का राजकोट, सूरत, कर्नाटक का मैसूर, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई को 5-star रेटिंग दिया गया है फ्री गार्बेज के तहत। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 3-star रेटिंग में भी 9 शहरों को, शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है और 1-star रेटिंग में भी 5 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया। अगर ये 9 शहरी क्षेत्रों में मुख्य शहरों को देख लो तो इसमें बिलासपुर आ जाता है, भिलाई नगर आ जाता है, दुर्ग आ जाता है और ये तीनों कैटेगरी में रायपुर कहीं भी नहीं है। तो गार्बेज फ्री शहर अंबिकापुर के बारे में ध्यान रखिएगा, इसको 5-star रेटिंग मिला है यानी कि सबसे बेहतरीन रेटिंग। पूरे भारत में 6 शहरों को मिला है 5-star रेटिंग, जिसमें से एक आपका छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है। अंबिकापुर से रिलेटेड हमने पहले भी एक टॉपिक डिस्कस किया था कि एक गार्बेज कैफे बनाया गया था, यहाँ पर कचरा ले जाओ, कचरे के बदले आपको वहाँ पर खाना मिलता था और वह देश का पहला गार्बेज कैफे खोला गया था। तो अंबिकापुर जब कभी भी स्वच्छता से रिलेटेड आप मेंस में क्वेश्चन लिख रहे हो, स्वच्छता से रिलेटेड या स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको अंबिकापुर का वैल्यू एडिशन जरूर करना है। अंबिकापुर मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। तो ध्यान रखिएगा, ये शहर है आपका 5-star वाला, पांचों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, ये 5 राज्य के बारे में याद रखिएगा जिनको 5-star यहाँ पर गार्बेज फ्री सिटीज का दर्जा दिया गया है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर देखा गया है और ब्लैक पैंथर एक कोई मामूली जानवर है नहीं। ब्लैक पैंथर जो है एक तेंदुए का ही प्रजाति है, काली कलर का होता है और ब्लैक पैंथर जो है विलुप्त होती हुई एक प्रजाति है। और इससे पहले अचानक मार में ही 2017 में भी ब्लैक पैंथर देखा गया था, लेकिन उसके बाद से अचानक मार रिजर्व में बहुत ब्लैक पैंथर को ढूंढने की कोशिश की गई पर कभी मिला नहीं। और अभी हाल ही में ब्लैक पैंथर को फिर से एक बार अचानक मार में वहां पर डिस्कवर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस में भी आप इसका वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ब्लैक पैंथर किसी पैंथोरा, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो इसे तेंदुए के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में अगर आप इसे देखोगे तो जगुआर के रूप में जाना जाता है। इसको हम बघीरा भी कहते हैं और भी अगर इसको देखोगे तो इसको मेलानास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। मेलानास्टिक का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो काली परत होती है उसको मेलानास्टिक कहा जाता है। और इससे पहले गोवा में भी ब्लैक पैंथर हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया था। तो ये एक बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अचानक मार्ग में ब्लैक पैंथर का दिखना। तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को एक नेशनल अवार्ड मिला है। एग्रीकल्चर, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका रायपुर है और इसके अंडर में एक कॉलेज आता है, इस कॉलेज का नाम है शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र। यह कहाँ स्थित है? ये आपका जगदलपुर में स्थित है। जगदलपुर के इस कॉलेज को हाल ही में स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की तरफ से सर्वश्रेष्ठ केंद्र का अवार्ड दिया गया है। और यह कौन से वर्ष के लिए दिया गया है? 2017 और 20 तक के लिए दिया गया है, यानी कि इन 3 सालों के बीच में इस महाविद्यालय की तरफ से स्मॉल ग्रेन क्रॉप्स के तरफ में बहुत सारे रिसर्च किए गए और इसी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दिया गया है। किसको? इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत में आने वाला कॉलेज शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय जो कि जगदलपुर में स्थित है उसी के तहत दिया गया है। प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है वो है रोबोट नर्स। रोबोट नर्स का मतलब यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे। इस नर्स को डेवलप किया गया किसकी तरफ से? सोबाटा फाउंडेशन बिलासपुर की तरफ से इसको डेवलप किया गया है। रोबोट नर्स इस समय जो COVID-19 पेंडेमिक का जो भी हालात चल रहा है, ऐसे में डॉक्टर्स और नर्सेज भी संक्रमित होते रहते हैं, उन पर भी खतरा बना रहता है। तो रोबोट नर्स ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस रोबोट नर्स के जरिए जो पेशेंट्स होते हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाया जा सकता है हॉस्पिटल में और यह 90 फीट की दूरी तय कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक। तो यहाँ पर उन तक सामग्री पहुंचाने में, खाने पीने की चीज़ें पेशेंट्स तक पहुंचाने में यह काफ़ी मदद साबित कर सकता है। और इस रोबोट नर्स को अभी रखा गया है एम्स रायपुर में। तो याद रखिएगा रोबोट नर्स के बारे में और इसको किसकी तरफ से डेवलप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी। यह एक छत्तीसगढ़ में बनाई गई फिल्म है और छत्तीसगढ़ में अगर मैं ना कहूँ तो एक शॉर्ट फिल्म है
और इस फिल्म को बनाया गया है छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी कलाकारों को मिलाकर। और यह फिल्म इसीलिए न्यूज़ में है, द गोल्ड एंड चिकन दी स्टोरी, क्योंकि हाल ही में इसको न्यूयॉर्क में होने वाले फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लगभग 25 कलाकारों ने हिस्सा लिया है। इसमें सीनोग्राफी किया है अविनाश बावनकर ने और इसके निर्माता हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर। फिल्म का नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, द गोल्ड एंड दी चिकन स्टोरी, जिसे कि न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया है। एक शॉर्ट फिल्म है, छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही डेवलप किया गया और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को यहाँ पर और संस्कृति और सभ्यता को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ और भोजपुरी कलाकारों द्वारा मिलकर इस फिल्म को बनाया गया है, बस इतना याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है, झीरम श्रद्धांजलि दिवस। अब से छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। 25 मई 2013 को झीरम घाटी हमले में बहुत सारे नेता सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। अब उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 25 मई को जो है झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा, बस इतना आप लोगों को याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, सीजीपीएससी के नए चेयरमैन अब कौन होंगे। टीएस सोनवानी को सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और ये किन की जगह पे होंगे, की के आर पिस्दा की जगह लेंगे। चलिए सीजीपीएससी की बात हो रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा एक और आप लोगों की थोड़ा सा बेचैनी शांत कर देता हूँ। हो सकता है कल या परसों में आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, हो सकता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कल या परसों तक आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग अब मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करिए और जो लोग पहली बार तैयारी करने वाले हैं उन लोग भी अभी आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी प्रीलिम्स मत कीजिए। जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बाद में कीजिएगा, लेकिन जो सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से ही मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और अच्छे से करें, सिलेबस को अच्छे से स्टडी करके करें, तो हो सकता है आपका कल से परसों तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाए। चलिए छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में तो आपको पता चल गया, याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टीएस सोनवानी। और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग रख लीजिए, इस पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कब किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत, क्योंकि 315 में ही पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस वहाँ पर रखे गए हैं। इसका गठन हुआ था सीजीपीएससी का 23 मई 2001 को और सबसे फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो हॉनरेबल श्री मोहन शुक्ला, फर्स्ट चेयरमैन के बारे में भी याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए इसके बाद जो हमारा लास्ट का टॉपिक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, श्री अजीत जोगी जी से संबंधित है, हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पर हम लोग फैक्ट जान लेते हैं जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहले इनका निधन कब हुआ, 29 मई 2020 को इनका निधन हो गया। इनका पूरा नाम क्या था, अजीत प्रमोद कुमार जोगी। जन्म कहाँ हुआ था, 29 अप्रैल 1946 को पेंड्रा में इनका जन्म हुआ था, बिलासपुर जिला का। उस समय पेंड्रा जो है बिलासपुर जिले में आता था, अब तो खैर गौरेला पेंड्रा मारवाई एक अलग से जिला हो गया, उस वक्त बिलासपुर जिले में आता था, वहाँ उनका जन्म हुआ था। इनकी उम्र कितने साल की थी, 74 साल के थे। ये बी मैकेनिकल में इन्होंने इंजीनियरिंग किया था और गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, और उसके बाद बी करने के बाद ये दो साल तक लेक्चरर भी रहे थे 1967 से 1968 के बीच में, और उसके बाद ये आईएएस ऑफिसर भी बने और कलेक्टर भी रहे। कब से कब तक, 1974 से लेकर 1986 तक, और तीन प्रमुख शहर के ये कलेक्टर रह चुके हैं, शहडोल, रायपुर और आपका इंदौर। इनका यहाँ हम थोड़ा सा राजनीतिक सफ़र जाने तो इनका 1986 में अजीत जोगी जी का राजनीतिक सफ़र शुरू होता है, कलेक्ट्री छोड़ देते हैं, उसके बाद 1986 से लेकर 1998 तक ये राज्यसभा के अपर हाउस के मेंबर भी रहते हैं। 1998 में रायगढ़ से ये लोकसभा सांसद चुने जाते हैं और मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ राज्य बनता है तो नए राज्य गठन में अजीत जोगी जी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इसीलिए 2000 से लेकर 2003 तक ये प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। 2016 में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने एक अपना एक अलग पार्टी बनाया, उस पार्टी का नाम रखा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। तो
तो इतनी सारी बातें आप यहाँ पर अजीत जोगी जी से संबंधित भी याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का पूरा छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर, लगभग 10 दिन का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर था। एक बात और, हम पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जो पिछले 1-2 महीने का जितने भी हमने छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर एनालिसिस किया है उसके बेस्ड पे सारे MCQs डिस्कस करेंगे, ताकि आपका साथ में रिविज़न भी होता रहे। वीडियोस पसंद आने पे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।